देखिए ये 5 किलो की छल है, इसमें जो गान लगा रहे हैं उसकी वजह ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए कमर्शियल खोए की रेसिपी लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दानेदार खोया घर पर बनाने का तरीका बताया था। आज हम बर्फी का खोया कमर्शियल बनाना सीखेंगे। तो आज हम खोए के कारखाने पे जाएंगे और ये खोए का कारखाना किसी और का नहीं बल्कि मेरे कजन का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि बर्फी के लिए खोया कमर्शियल किस तरह से बनाया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए खोया बनाने के लिए यहाँ पर हमने आग जला दी है और अब हम इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे खोया बनाने के लिए, और इसके अंदर 15 किलो दूध डालेंगे। देखिए ये 5 किलो की छल है, इस तरह की 3 डालेंगे तो ये 15 किलो आ जाएगी। वैसे इसके अंदर जो दूध है वो 120 किलो आ सकता है, लेकिन 15 किलो का इसमें जो घान लगा रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमने खोए को जो है सफ़ेद रखना होता है। हमने ये जितने भी घान लगाएंगे वो सारे के सारे जो है 15 से 20 किलो के अंदर ही लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते, क्योंकि जितना कम दूध इसमें डाल के पकाया जाएगा उतना ही खोया आपका सफ़ेद आएगा। अब हम इसको उबाला दिलाएंगे। जब तक दूध को उबाला नहीं आएगा हम इसको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो इसको उबाला आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर दूध को उबाला आ चुका है और ये टाइम देखें 2:45 हो रहे हैं। कितनी देर में ये खोया तैयार होगा 15 किलो का ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अब हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, बस तो हमने इसको पकाना है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दूंगा ताकि जो है जल्दी से ये बन जाए। देखिए पिछली खोया वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप उसको दानेदार खोया बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर टाटरी के दाने डाल देने। ठीक है जी, आज मैं बर्फी के लिए खोया बना रहा हूँ तो इसके अंदर हम जो है वो टाटरी नहीं डालेंगे, बस हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। और ये बिल्कुल तैयारी भी आ चुका है। यहाँ पर टाइम देखें 3:06 हो जाएंगे, तकरीबन 21 मिनट लगे हैं इसको तैयार करने में। अब हम इसको हटा लेंगे और इसको थोड़ी देर चलाएंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम इस खोए को निकाल लेंगे। अब हम इस खोए को इस ट्रे के अंदर डाल देंगे और इसको फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको भी हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर जितना खोया बनता है उसको ठंडा होने के बाद सारा एक साइड में किया जाता है, फिर सबको एक साथ मिक्स किया जाता है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।